12-13 साल ना। ये मशीन चलाने में कैसा आता है आपको? कर रही है, कौन सा कटिंग कर रहे हैं? एलपी कटिंग कर रहे हैं। आप यहाँ पे कितना सालों से काम कर रहे हैं? अभी तो मेरा 6 साल हो गया। 6 साल हो गया ना। हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ जो आसाम का मशहूर चाय बागानों का काटिंग कैसे करते हैं। तो अभी तो सर्दी का मौसम है, तो आसाम का सभी बागानों में, मतलब जितना भी बागान है, उन लोग काटिंग करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो एलपी काटिंग मशीन से काटिंग करते हैं, तो एलपी काटिंग कैसे काटिंग करते हैं उन लोग, तो इसका बारे में आज आप लोग को दिखाऊंगा भी और बताऊंगा। मैं बागानों का बीच में आ चुका हूं और उन लोग काटिंग कर रहे हैं। मैं अंदर घुस के आप लोग को बहुत ही आसान से और बहुत ही बेहतर से दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, और आप लोग आखिर तक जुड़े रहिए क्योंकि आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप लोग को मज़ेदार भी होने वाला है, तो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट होगा, मतलब आसाम के मशहूर चाय बागानों का जो काटिंग कैसे करते हैं देखने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आसाम के मशहूर चाय बागानों का, मतलब कैसे उन लोग काटिंग करते हैं, तो इसका बारे में आज आप लोग को बताएंगे। मैं थोड़ा पहले भी आप लोग को बोला था, भूलू मैं आज तो, मतलब जो आसाम का मशहूर चाय बागानों का बारे में आप लोग को जान के बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आज जो यहाँ पे काटिंग कर रहे हैं वो एलपी काटिंग कर रहे हैं। तो मैं पहले भी आप लोग को थोड़ा बोला था, तो मैं अभी जा रहा हूँ उन लोग के पास जो इन लोग मतलब मशीन से काटिंग कर रहे हैं। तो मैं अच्छा से सामने में जाके आप लोग को बैक कैमरा के लिए बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सुंदर से दिखाऊँगा। चलिए, आखिर में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सामने नज़दीक में उन लोग अभी मशीन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी मशीन स्टार्ट हो चुका है, अभी उन लोग काटिंग करेंगे। काटिंग कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बहुत ही शानदार से और बहुत ही बढ़िया से दिखाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं उन लोग ये मशीन में पेट्रोल डाल रहे हैं। इसमें 1 लीटर पेट्रोल आता है और वज़न होगा इसका 10-12 किलो जैसा वज़न होगा, और इसको कंधे पर ले के ये चाय का पेड़ काटिंग करने के लिए इतना आसान नहीं। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग ये मशीन स्टार्ट करते हैं। आप कितना सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, हो गया 12-13 साल ना। ये मशीन चलाने में कैसा आता है आपको? मशीन चलाने में ठीक है। ये मशीन कौन सा मशीन है, क्या नाम है इसका? कुलिन। कुलिन मशीन ना। और क्या बोलते हैं, आप जो काटिंग कर रहे हैं कौन सा काटिंग कर रहे हैं? एलपी काटिंग कर रहे हैं ना। ओके, आप लोग देख सकते हैं काटिंग करने के बाद ये जितना भी चाय पेड़ के ऊपर में पड़ा है ना, इसको काटने के बाद 1-2 दिन में उन लोग साफ करेंगे। साफ करने के बाद वो दवा डालेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो ये काटिंग करने के बाद इसका जो, मतलब आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर में जो भी पड़ा हुआ है, ये लोग बहुत आसान से उन लोग साफ करेंगे। साफ करने के बाद दवा डालेंगे तो ये चाय पत्ती बहुत जल्द उगेगा। यहाँ पे जो काटिंग करके रखा हुआ है ये एलपी काटिंग है, तो एलपी काटिंग करने के बाद उन लोग इसको, ये चाय पेड़ को बहुत ही सुंदर से उन लोग साफ करेंगे जितना भी पत्ता है यहाँ का। ये देखिए, सो गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एलपी काटिंग करने के बाद उन लोग ये बहुत ही शानदार से बहुत ही बढ़िया से ऐसे साफ करते हैं। साफ करने के बाद उन लोग, आप लोग देख सकते हैं एक पेड़ मतलब साफ करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ऐसा, मतलब दिए एलपी काटिंग करने के बाद ऐसे साफ करते तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और ऐसे साफ करने का कारण यही है कि ये
मतलब जो नया पत्ता जल्दी से मतलब बहुत जल्दी निकलने वाला। गाइस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, यहाँ का जो अंदर का नज़ारा है ना बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और अगर आप लोग वीडियो से अच्छा है कि आप लोग अगर किसी बगान के नज़दीक में तो सामने में आके देखने के लिए कोशिश करेंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। मैं तो अभी यहाँ में आके बहुत ही मज़ा आ रहा है, मैं तो कटिंग नहीं किया लेकिन तब भी मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ में आके। आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे में हम लोग बहुत ज़बरदस्त कटिंग कर रहे हैं तो बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं बैक कैमरा करके आप लोग को बहुत ही अच्छा से और सुंदर से दिखाने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। ये देखिए सामने में हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त कटिंग कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोग को क्या बताऊँ, क्या मतलब खतरनाक, मतलब बहुत खतरनाक हम लोग कटिंग कर रहे हैं। तो इतना मतलब एक मतलब टी गार्डन में बहुत सेक्शन होता है, बहुत बगान होता है, तो इतना बगान काटिंग करना इतना आसान नहीं है, तभी हम लोग मतलब हैंड से भी काटिंग करते हैं। तो आज का काटिंग है मशीन का काटिंग है, एलपी काटिंग। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा हैंड काटिंग वाला दूसरा काटिंग, मतलब एलपी होता है, मीडियम होता है, उसके बाद डीएस होता है। तो मैं आज दिखा रहा हूँ आप लोग का एलपी और मशीन का काटिंग, हैंड काटिंग भी आप लोग को दिखाऊंगा बहुत ही सुंदर से, बहुत ही अच्छे से। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को कॉमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे कितना सालों से काम कर रहे हैं? अभी तो मेरा 6 साल हो गया। 6 साल हो गया ना। ये मशीन चलाने में कैसा आता है आपको? मशीन तो अभी इस साल पहला पकड़ा हूँ मशीन। अब इस साल पकड़े तो तब भी कैसा लग रहा है चलाने में? चलाने में तो ठीक ही है, मतलब ये थोड़ा ऊपर मतलब आँख के लिए दिखाते हैं। चश्मा लगा लीजिए ना। और क्या बोलते हैं आप लोग ये कटिंग कर रहे हैं, कौन सा कटिंग कर रहे हैं अभी? ये अभी एलपी एलपी कटिंग कर रहे हैं ना। सो गाइस बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही अद्भुत है। और आप लोग को ये कटिंग देख के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा से दिखाऊंगा कि जो उन लोग कटिंग किया है अभी, ये इसको बोलते हैं एलपी, ये आप लोग देख सकते हैं एलपी। इससे पहले उन लोग कटिंग किए थे, आप लोग देख सकते हैं पुराना वाला कटिंग, इसको मीडियम बोलते हैं। उसका बाद पहले मीडियम कटिंग करते हैं, उसका बाद कटिंग करते हैं एलपी, एलपी का बाद डीएस। कटिंग करने के बाद उन लोग मतलब बहुत ही सुंदर से साफ करते हैं। तो ये साफ नहीं किया है, मैं पीछे में आप लोगों को दिखाऊंगा साफ कैसे करते हैं। तो आप लोग ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से उन लोग साफ करके रखा हुआ है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं डीएस कटिंग करने के बाद, सॉरी एलपी कटिंग करने के बाद उन लोग साफ करते हैं। और यहाँ दवा तो गाइस अभी हम लोग ये भैया के पास जा रहे हैं और भैया को पूछेंगे मतलब उसके बारे में। भैया आप यहाँ पे कितना दिनों से काम कर रहे हैं, मतलब कितना साल हो गया आपका यहाँ काम करते हुए? 3 साल हो गया ना। जो आप ये मशीन चला रहे हैं, ये मशीन का नाम बताएंगे प्लीज़?
कूलिंग मशीन बोलता है, क्या डीजल से चलता है ना, पेट्रोल से? पेट्रोल से चलता है ना। और आप लोग जो काटिंग कर रही है, कौन सा काटिंग, क्या बोलता है, काटिंग का नाम क्या है? एलपी ना। और कितना वजन होगा इसका? 10 किलो जैसा ना। तो इतना वजन लेके ये काटिंग करना इतना आसान नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ, कितना साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे? कितना साल? 10 साल जैसा हो गया आपका, तो बहुत ही एक्सपीरियंस होगा ना। ये मशीन चलाने में कैसा लगता है आपको? आदत हो गया ना। ये जो काटिंग कर रहे है, कौन सा काटिंग कर रहे हैं? एलपी। क्या हुआ भैया ये मशीन को? सब कर रहे हैं ना। ये मैकेनिक देखो, मशीन का मैकेनिक है ये। अभी बदल रहा है, खराब हुआ है। वो काटिंग करते करते इसका मशीन खराब हो चुका, तो ये खुद ही मैकेनिक लेके वो खुद ही बना रहा है। गाइस, आज मतलब जो टी गार्डन का, जो चाय बागानों का काटिंग करके देखते हुए आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को ये दिखा के, और मतलब बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ जरूर बताइएगा। और मैं अभी फिलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग को आज का वीडियो में दिखाया एलपी काटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊँगा मैं डीएस काटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग देखने के लिए कितना एक्साइटेड है, प्लीज़ कमेंट वो भी कर देना। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं। बाय बाय।